पूर्वी राजस्थान में चले राजनीतिक बाण, सोनिया को राहुल, गहलोत को वैभव की चिंता, भजनलाल। धौलपुर, बाड़ी, करौली, गंगापुर सिटी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान की आभार यात्रा के दूसरे दिन रविवार को ईआरसीपी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गारंटियों को लेकर अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। बाड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी को बेटे राहुल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिर्फ अपने पुत्र वैभव गहलोत की चिंता है। उन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में परिवारवाद है जो किसी दिन कांग्रेस को ले डूबेगा, जबकि भाजपा कार्यकर्ता की पार्टी है। भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, इसमें बूथ से लेकर मंडल और प्रदेश तक कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लूट व झूठ व लूट का काम कर तुष्टिकरण राजनीति की है। मुझे ध्यान है कि करौली की वो घटना जब शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी, तब किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। सीएम ने धौलपुर जिले के बाड़ी के साथ ही करौली और गंगापुर सिटी की सभाओं में भी ईआरसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। धौलपुर आभार सभा में सीएम भजनलाल और केंद्रीय मंत्री शेखावत, उनकी खुद की ही गारंटी नहीं। गंगापुर सिटी में मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 2 माह पहले गारंटी दे रहे थे, लेकिन उनकी खुद की गारंटी नहीं। वह झूठे वादे करते हैं और उनको पूरा करने नहीं दे करते, जबकि हमारी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जो पूरा करने के हमने ईआरसीपी गारंटी दी है जिसे